छम्मक छल्लो सीता सावित्री सबको नचा चुको और रावण जी को। रुक जा चिका, ये कोठा है, कसाई खाना नहीं। शबाब क्या ढल गया, जिसम में बगावत की लपर उठन लगी। चीखे निकलवा तो चीखा, चीखे निकलवा तो है चीखा, अब तू बांध के घुंघरू नाच। आज हुई जाए जुगलबंदी तेरे और मारे बीच, तेरे घुंघरुओं की आवाज और मारी बर्तान की खसो। तू कहां को घुसा रहे हो इंस्पेक्टर, तो ये पता नो है बाजार में जानवरों की एंट्री पे बैन है। हड्डियां सीधी थाने भिजवा दी जा। तू वाकई किसी शेरनी का बेटा है, जीते रहे बेटा। शुक्रिया माँ जी। गुमती चाची, तुम गुमती चाची हो ना? तू कौन है तू? माँ जी मैं विजय रुक्मणी का बेटा। पंद्रह साल से कहां गायब हो गई थी तू? और चाची अजय कहां है वो? हमने सोचा कि तुम दोनों गंगा में डूब गए होंगे। काश के डूब गए होते, इस सिल्लत भरी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। क्या हुआ था उस दिन चाची, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन गंगा किनारे मेला लगा हुआ था। सुनिए मेरे बच्चों, सुनिए नौजवानों, भाइयों, शंख भस्म की ताकत को पहचानिए। आइयो आइए 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 आजमाइए, हमारे पास हर मर्ज की आयुर्वेदिक दवाई मिलती है। आइए 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 आइए। जन्नत तू कहाँ है रे? अरे भैया जब तुमने देखा तब। ये तेरे लिए विजय, ये तेरे लिए। सुनीता है ना? अरे ये मेरी बच्ची। बड़ी प्यारी होगी ये। कैसी है सुनीता बेटी? विजय अजू बेटे तू जरा दुकान का ख्याल रखना, हम अभी चाय पी कर आते हैं। अच्छा बाबा। हाँ भाभी आओ जी। हाँ चलिए चलो भाभी चलो। विजय जा तू सुनीता को आइसक्रीम खिला खिला, मैं दुकान का ध्यान रखता हूँ। शहर के गई गोमती बहन, तुम तो हम लोगों को भूल ही गई। अरे भाभी मैं तो कहता हूँ तुम भी समझाओ इस घोंचू को। इसी तरह जड़ी बूटियों से दवा बना बना कर हम तरक्की कर सकते हैं। मैंने तो बैंक में लोन की एप्लीकेशन भी कर दी है, इधर लोन पास हुआ उधर पाव बारा। तू कर अपने पाव बारा, बन जा मोटा सेठ, हमने तो इस धरती में जन्म लिया है और इसी में मर जाना। तू नहीं सुधरेगा। मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। अरे जल्दी लौट कर आना। हाँ यार। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। दिमाग का इस्तेमाल कर मूर्ख, इसमें बड़ी ताकत होती है। अमित को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? बच्चे लड़ रहे थे इसलिए मैंने दोनों को। खामोश, हमारे बेटे का मुकाबला गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े से किया तो तेरे खूबसूरत चेहरे पर कीचड़ पोत देंगे। कीचड़ तो तेरे मुंह पर पुत्ती है अमर सिंह, कौन नहीं जानता। जमींदारी के नाम पर
तू किसानों का खून ही नहीं उनकी माँ बेटियों पर भी गंदी नजर रखता है। हद हो गई है? मेरे बारे में इतना अंदर तक जानने के बावजूद भी इतनी फुदक रही है तू, वाकई गजब हो गया। चला अमित अंदर बैठ, जी चाहता है तुझे यही रगड़ दू, लेकिन बुरा हो उस कानून की पढ़ाई का जो दिमाग के इस्तेमाल पर जोर देती है। अरे जा जा, तेरी धमकियों से नहीं डरती मैं। कौन थी? क्या हुआ भाभी? क्या कह रहा था अमर सिंह? बोलो ना। बाप पे गई है। सुनो, जरा पेट दर्द की दवा देना। बुरा सुनियो रे, बुरा देखा दवाई मत जहर मिला के बेच रहा हूँ आदमी। भाई साहब क्या हुआ? भाई आदमी मार दियो, अरे बकवास कर रहे हैं हमसे। भाई साहब आयुर्वेदिक की दवा से कोई नहीं मरता है। भाई साहब तो यहाँ की दुकान। भाई साहब क्या कर रहे हो? थप्पड़ मारेगी आ? मेरे कलेजे के टुकड़े को थप्पड़ मारेगी आ? अमित का मुकाबला कीड़े मकोड़े से करोगी? इधर से डर गई? अमर सिंह के बेटे को हाथ लगाने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वैसे तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। हुकुम करे मालिक। कहाँ गया था तू? ओ मालिक, मैं ओ अमित को ले आओ, उसी का शिकार है ये। जी मालिक। मौत भी साली क्या चीज है, खींच कर ले आई तुझे यहाँ। आजा आजा आजा, आजा। किसी ने मारा था ना तुझे? हाँ। किसी ने मारा था ना? चमड़ी उधर दे साले की, चमड़ी उधर दे। मार 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 साले। हाँ, इतनी भी क्या मचल रही है डार्लिंग, तेरा भी नंबर आएगा। आजा आजा। अमित को लेके जा। जी मालिक। हरामजादे, मेरे सामने मेरे बेटे को मारता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। अरे कहाँ भाग कर जा रही हो? दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगी, थप्पड़ मारोगी अमित को।
फोटोग्राफ कहाँ है? बताओ, फोटोग्राफ कहाँ है? फोटोग्राफ कहाँ है? बताओ। मैंने वर सिंह को ब्लैकमेल किया, उसने सारे नेगेटिव 10 लाख में खरीदे हैं मुझसे। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। मैं सच बोल रहा हूँ, मगर वो सारे फोटो का एक पॉजिटिव अब भी मेरे पास है। चलिए अमर सिंह जी, कानून के जंगल के शेर हैं। आज हम सब देश के इस जाने माने वकील श्री अमर सिंह जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कमिश्नर साहब, इस दुनिया में अगर स्वागत और सम्मान की कोई हकदार है तो वो औरत है। औरत जिसने मर्दों को जन्म दिया, कभी मां बनकर दुलारा, कभी बहन बनकर पुचकारा, तो कभी पत्नी बनकर निखारा, कभी बेटी बनकर सवारा। लेकिन मर्दों ने क्या दिया औरत को? कभी पैरों तले कुचला, कभी हवस का शिकार बनाया, और कभी कोठे की रौनक। इंस्पेक्टर विजय, और यह सब तूने किया अमर सिंह? तूने मेरे भाई की हत्या की, तूने मेरी गोमती चाची को, हरामजादे, मैं तुझे जिंदगी छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदगी छोड़ूंगा हरामजादे। शबक बजाए, आशक शबक। योर ऑनर, ये शख्स जो शांति नगर के बहुत बड़े वकील होने के नाते पूजा जाता है, इंस्पेक्टर विजय के 7 साल के मासूम भाई का कातिल है। इसने इस लाचार बेसहारा औरत को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर शहर लाकर जवान कोठे पर बिठाया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, क्योंकि मैं अपना वकील खुद ही हूं, इसलिए मुझे कटघरे से उतरकर बहस करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर।
मिलॉर्ड, 15 साल पहले हम और हमारे पुरखे गोसुपुर गांव के जमींदार थे। इंस्पेक्टर विजय का बाप और इस औरत का खाविंद हमारे पड़ोसी थे। दोनों ने हमसे इतना कर्जा लिया और फिर ना सूद दे सके ना मूल। इनकी जमीनें हमारी हो गई। हमें बदनाम करने की साजिश इसीलिए हो रही है। योर ऑनर, मेरे पास चंद फोटोग्राफ्स हैं जिनमें मुजरिम कत्ल करता हुआ और बलात्कार करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ये साजिश है तो ये फोटोग्राफ्स कहां से आए? यहां से ये आए। क्या है इनमें? मुलाहिजा फरमाइए, खुद देख लीजिए योर ऑनर। सर, इट्स अ ट्रिक फोटोग्राफी, इट्स अ ट्रिक फोटोग्राफी सर। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि ये कमाल ट्रिक फोटोग्राफी से किया जा सकता है। लेकिन सर, मेरे फोटोग्राफ सच्चे हैं। आमजादे, मैं तेरी बोटी लॉर्ड। इंस्पेक्टर को एहसास दिला दिया जाए कि वो इस वक्त अपने थाने के टॉर्चर रूम में नहीं बल्कि इंसाफ के मंदिर में खड़ा है। लेकिन सर, मैं ऑफिसर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर। हमें बदनाम करने की साजिश तार तार हो चुकी है मिलॉर्ड। और ये औरत, औरत नहीं वेश्या है, वेश्या। साव चूहे खाकर हज करने चली है। जब अपने पति से जिस्म की आग ठंडी नहीं होती थी तो मेरे पास आती थी, और अब अपने आप को कोठे पे बिठा दिया इसने। बस करो, बस करो। और आज ये वेश्या अपना धंधा चलाने के लिए नए जीवन की कच्ची और मासूम कलियों को जबरदस्ती तवायब बनाने का धंधा करती है। अपनी दुकान चलाने के लिए उन्हें कोठे पर बेचना चाहती है। ये चाची, चाची कौन थी? चाची, चाची गोमती सच कह रही थी, सच कह रही थी कि हमने तेरे भाई की हत्या की और इस पर बलात्कार किया। और ये फिल्म उसका सबूत है। ओ, जल गया ना हाथ? दिमाग का इस्तेमाल कर बच्चू, इसमें बड़ी ताकत है। अमर सिंह से टक्कर लेने निकला था, अमर सिंह से। स्वाहा, सारे सबूत स्वाहा। Oh,
खबर मिली है कि डाकू वहां कहीं है। तुम लोग मेरे इशारे का इंतजार करना। जाओ। दोनों हाथ थे खाली तेरे जब दुनिया में तू आया।
बाबूजी, वो मेरी गाड़ी, अस्पताल। डॉक्टर, अरे कोई आता क्यों नहीं? डॉक्टर, अरे डॉक्टर आता क्यों नहीं कोई? बोल बॉय, जल्दी साहब, बहुत चोट आई है ने, बहुत चोट। बहुत चोट आई है ने, बच्चों, बच्चों, बच्चों। लेटे रहो यंग मैन, लेटे रहो, जख्म अभी ताजा है, लेटे रहो। वो कैसे है? कौन, मिस्टर दास? नाम तो हमका मालूम नहीं, वो लेकिन। हाँ, वही मिस्टर दास है, दास आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक। उनके सर पे तो मामूली सी चोट लगी थी, जबकि तुम बिल्कुल। थैंक गॉड इसे होश आ गया। हो बेटे, अब तो ठीक हो ना? बाबूजी, इन छोटी मोटी चोटों से हमका कुछ नहीं होता। अरे जवान पट्टे। अरे बेटे, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली बेटे? टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने के लिए हाजिर है ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी। खाकसार को लोग केकड़ा बोलते हैं, इंस्पेक्टर के कड़ा। आपके यहाँ आने की वजह? बंदे ने मॉर्निंग वॉक करने वाले बहुत से लोगों का भेजा चाटा, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि वो ट्रक कौन हांक रहा था। खास आप ही को पापड़ बनाकर सड़क पर चिपका देने की उसकी क्या दिलचस्पी थी जी? टेम्पो में नंबर प्लेट क्यों नहीं थी? और इन साहब ने आपको बचाने की जहमत क्यों उठाई? हद करते हो जी, मरने वाले को बचाना पाप है का? इंस्पेक्टर केकड़े के इलाके में ऐसी हरकत पाप नहीं, बहुत संगीन जुर्म है जी। नाम बता। लल्लू। कहाँ की पैदावार हो? कहाँ बोले जी? रहने वाले कहाँ के हो? कहीं के नहीं जी। तो क्या खजूर से टपके हो? जी नहीं, खजूर से नहीं टपके। वैद्य पशुपतिनाथ को हम गंगा में बहते हुए मिले थे, मरने से पहले उन्होंने ये बताया कि हम उनकी असली औलाद नहीं है, हम अनाथ हैं, हम अनाथ हैं। कौन से गांव का शॉट है? गांव बिहारा। बिहारा? बिहारा, वही ना जो पूरा का पूरा गांव बाढ़ में बह गया था। सरकार, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि उस गांव के तो सभी आदमी मर गए थे, तो तुम कैसे बच गए? चाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। क्यों बाबूजी? हाँ बेटे, अभी कहाँ जाने का इरादा है? इरादा क्या जी, आदमी की मंजिल तो ये तय करता है। केकड़े के इलाके में सिर्फ केकड़ा तय करता है, दोबारा मेरे इलाके में नजर आए तो उठा के अंदर कर दूंगा। बाबूजी मार। बेवजह की धमकियां देना बंद कीजिए और जाइए यहां से, वरना कमिश्नर से शिकायत कर दूंगा। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं आप? इस शहर की नाक जो ठहरे, वे आपकी कंप्लेन पर उठा के हमारा बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। और फिलहाल हमारा इरादा इस शहर से टलने का नहीं है, इसलिए यहाँ से टलते हैं। थैंक यू। दरोगा जी, आपका पेरू। फिर भी एक वार्निंग देकर जाता हूँ। मेरी खोपड़ी कहती है कि ये मामला सीधा सीधा नहीं है, कुछ टेढ़ा तिरछा है। बेवकूफ। बाबूजी पुलिस है या जल्लाद? हमार का होगा बाबूजी। तुम फिकर मत करो बेटे, हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात है, मेरे जिगर के
मेरे यार। अरे तू यहाँ कैसे? डैड सुबह निकला तो अभी पहुँच गया हूँ। अरे क्या बात है? लेकिन डैड ये सब क्या सुन रहा हूँ? अरे छोड़ उसे, पहले ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई? कोई लड़की वड़की पटाई है या नहीं? गर्लफ्रेंड तो बनाई डैड, बहुत खूबसूरत है। अच्छा? नाम है सुनीता। और डैड सेठ जमनादास जी की बेटी है। जमनादास? सेठ जमनादास? पार्टी बड़ी मालदार है। गुड गुड गुड। लेकिन उसे ये मत बताना कि तू मेरा बेटा है। क्यों डर? उसके खिलाफ एक केस हो गया था। ओके जा आराम कर, शाम को मिलते हैं। जल्दी। ओ यस। सेठ जमनादास की बेटी उधर और जमनादास की बीवी इधर। बेचारा जमनादास। आओ लल्लू, ये है हमारा घर। अरे बाप रे बाप, अरे ये घर है या महल? अरे कहाँ गया? ये मिस्टर गोम। हाउ डू डू सर? आई डू डू ओके, बट टुडे दिमाग पंचर। हाँ मिसेस थॉमस, भाई जल्दी से चाय पिलाओ। यस सर। माँ हम चाय पीते हैं, दूध पीएंगे, दूध के अंदर हल्दी डालो। हेलो। हाँ हल्दी डालना मत भूलना। अरे भाई यहाँ आओ, ये हमारी माँ है। अरे तुहार माँ, हमने तो दादी माँ हुई। अरे आशीर्वाद दो हमको। चुक जियो बेटे, कौन है तू है? अरे हम लल्लू, मगर आप वहाँ देख के क्यों बात कर? माँ देख नहीं सकती। देख नहीं सकती, मगर इनकी आंखें, इनकी आंखें तो हिरनी जैसी हैं। वो क्या है कि पहले एक आंख से देखना बंद हो गया और फिर दूसरी आंख की रोशनी जाती रही। बड़े बड़े डॉक्टरों से। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, दादी माँ को कुछ नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए बाबूजी, लवा गांध की भट्टी और गवार के बीच का सुरमा इनकी आंखों में लगाई दे, इनकी आंखें चकाचक चमक उठेंगी। अच्छा? हाँ। बेटे तुम जड़ी बूटियों के बारे में कैसे जानते हो? अद करते हो जी, अरे वैद्य पशुपतिनाथ के बेटे हैं हम। हाँ? बाबू के पास ऐसे मरीजों की काफी भीड़ लगा करती थी। अच्छा, अच्छा। राम जी ने चाहा तो माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये तस्वीर, बाबूजी ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। 15 साल पहले एक तूफान आया था जो हमारी सारी खुशियां उड़ा ले गया। गोमती गंगा में बह गई और हम गांव से शहर आ गए। कितनी ममता है इनकी आंखों में, ऐसा लगता है जैसे ये आंखें कहीं देखी है मैंने, जैसे जैसे इनकी गोद में कभी खेला हूं मैं। गोम्स। यस सर। इन्हें ऊपर का कमरा दिखाओ। जी सर। जाओ बेटे। जी आइए सर। गोम्स भैया कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 2000। अरे बाप रे 2000। सॉरी सर, आपके रूम की भूल गया। की क्या? हम आता है, लेफ्ट के रूम में बैठ जाओ। लेफ्ट? दाएं 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 दाएं। उनका दाएं या मेरा दाएं? अरे वाह भाई वाह, ये तो परी महल लगता है। तोलिया, चलो स्नान कर लेते हैं। टॉवल टॉवल फास्ट, अरे दोनों जल्दी। Oh!
अरे जरा तेल आना और पीठ पे मालिश करना। है? तेल? अरे जल्दी करना, हर बात दो बार गिननी पड़ेगी क्या? तेल आना। ओफो, क्या हुआ? जल्दी। अरे ये कौन सा तेल लगा दिया? चिपचिपाता है। ओ, क्या हुआ? जल्दी हरी आप। अरे अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ऐसे हाथ तो मजबूत मर्द के होते हैं। क्या करें बेब साहब, हम जवान बट्टे। बाबूजी यही है वो बुद्धि, बाबूजी यही है बुद्धि। चल आप पापा ये गवारी ले लो यहाँ कैसे? अरे बाबूजी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, हम नहीं छोड़ेंगे बाबूजी। बुद्धि ये वही लड़का है जिसने हमारी जान बचाई थी। स्टूपिड। अरे बेटी कसूर इसका नहीं, तेरे इस पुते हुए चेहरे का। माय फुट। बाबूजी वो गई। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मारा नहीं बुद्धि बाबूजी, ये तुहार इकलौती बेटी है हमारी, ज्यादा ही लाडली है इसलिए बिगड़ी हुई है जरा सी। वो भूत कुछ नहीं। हट। हवलदार। क्या है हवलदार? यस सर। सॉरी सर। यस सर। नाम बरकत नहीं है सरकार। रजिस्टर लाओ। यस सर। कोई वारदात? जी सर, ये बेवड़ा दारू पीकर हुड़दंग मचा रहा था सर, मैंने इसे अंदर डाल दिया सर। डाल दिया और पूरा नशा उतार दिया साहब। लल्लू राम और इंस्पेक्टर। ए बेवड़े क्या बक रहा है? लल्लू राम किसे कह रहा है? ये साहब है। साहब मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो लल्लू साहब। लल्लू साहब। ये लल्लू साहब, लल्लू साहब किसे कहता है? साहब का नाम विजय है समझे? इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय साहब। बेवकूफ। मगर क्या ये कोई राम और श्याम, सीता और गीता, जय विजय जैसा फिल्म वाला चक्कर तो नहीं है? जरूर साहब का कोई जुड़वा भाई होगा। साहब आपका कोई जुड़वा भाई है? लल्लू राम, लल्लू राम और इंस्पेक्टर। काश कि वो जिंदा होता। लल्लू साहब, लल्लू साहब वो जिंदा है, हम उसे मिले। ए राम, वो राम है तो आप श्याम है, अगर वो श्याम है तो आप राम है, लेकिन वो जिंदा है साहब, वो जिंदा है साहब, साहब वो जिंदा है। आइए साहब देखिए क्या कर रहा है। कह गए सिया से ऐसा कलयुग बाबूजी। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? सुरमा बना रहे बाबूजी। अरे यहाँ फ्रिज में बैठकर? हाँ यहाँ ठंड है और ये दवा सिर्फ ठंड में असर करती है। अरे लल्लू हमने जड़ी बूटी से दवाइयां बना बना कर ही इतनी तरक्की की है, आज हमारे पास कई फैक्ट्रियां हैं। भाई सचमुच अगर तुमने ये चमत्कारी दवा बना ली ना तो तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। बाबूजी हमें सिर्फ दादी माँ का आशीर्वाद चाहिए बस। अच्छा, ये पकड़ के रखो। अरे बाबूजी बंद कर दो, बंद कर दो, ठंड में असर करती है ठंड में। अच्छा अच्छा बंद कर, बंद कर, बंद कर। चलो। अरे अंधी जब देख नहीं सकती तो उसे सपने क्यों दिखा रहा है रे? सपना तो बहुत जल्दी ही सच्चा हो जाएगा दादी माँ, धुंधला धुंधला तो 10-5 दिन में ही दिखाई देगा।
बड़ी ठंडक मिली रे। मिली ना? हाँ। दवा कटांक है। अरे अब देखो बाबूजी, तो हर खेतों में कैसी हरियाली छाते है। क्यों पापा, मॉलिश करवा रहे हैं? कहाँ जा रही हो बेटी? क्लब जा रही हूँ। अरे बेटी, सिग्नल तोड़ने के जुर्म में पहले ही तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो चुका। अब अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम अकेले गाड़ी लेके नहीं जा सकती। फिर कौन चलाएगा मेरी गाड़ी? हम चलाएंगे तुम्हारी गाड़ी। तुम? हाँ। अरे अपने गाँव में हम बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर चला रहे हैं। तुम्हारी पिद्दी सी गाड़ी क्या चीज है? मिस्टर लल्लूराम, बोलो। ट्रैक्टर गाड़ी में जमीन आसमान का फर्क होता है? नहीं नहीं बेटी, ठीक चलाता है। जा बेटा जा। What the hell are you? No hell, all well. I take dad hospital. I super driving take you also hospital. Oh my god. जा बेटा जा। तो चलो। आए हम। आंखें मसाज करते हैं तुम्हारा। चलो। पगला। गांव की याद दिला गया। सुनीता जी। ओ ये शट अप इडियट कवार। ओ राम जी बड़ा दुख दियो अपने लखन को। हाय मेरी जानू, उधर क्या देख रहा है? अपनी इस हेमा मालिनी को तो देख। ये हेमा मालिनी कौन है जी? अरे भैया, हेमा को नहीं जानता, श्री देवी को। तो श्री देवी कौन है जी? हाय हाय, बड़ा भोला बनता है। चल सो का पत्ता निकाल, हमारा मुंह दिखाई का। ऐसे मुंह को तो मैं 50 पैसे ना दूं। देखो मेरी बहनों, मेरे पास पैसे नहीं है। हाय हाय, देखो मेरे छैल छबीले को कैसे कड़की मालकिन का ड्राइवर है। इसके पास तो कुछ भी नहीं रे। खबरदार, जो हमार मालकिन के बारे में कुछ बोला तुम, हम तो कहेंगे कंजूस की मालकिन। अरे हम तो कहेंगे कंजूस की मालकिन। अरे हम तो कहेंगे stop it, stop it, stop it. I tell my मालकिन not कड़की, पैसे वाली ड्रग फटीचर। 100 का नोट की जगह आई गिव 200 का नोट, 200 का नोट। कम ऑन, कम कम कम। आओ बहनों, कम कम। मस्ती नहीं। देखो सुनीता जी, अरे पैसे दे थे ना हम। सुनीता, तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की और वो भी इन लोगों के साथ? सुनीता जी, ये लोग आपको बुरा भला कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। आप इन्हें पैसे देकर रफा दफा कीजिए यहाँ से। पैसे? किस बात के पैसे? ये क्या तुम्हारी बात में? Get out! Come on, darling, don't get angry, don't get angry. हम इसे सबक सिखाएंगे, यहाँ अंदर आने की हिम्मत करने का, अपनी औकात से बाहर कदम रखने का और हमसे बराबरी करने का। पैसे हम देंगे लेकिन नाचोगे तुम। नहीं नहीं सुनीता जी, हम कैसे नाच सकते हैं? हमें तो आपकी तरह नाचना भी नहीं आता। लेकिन इन हिजड़ों की तरह तो नाच सकते हो, हाँ? वो दिखाओ। ए हीरो, तू क्या समझता है, पैसा खाली तेरे पास ही है क्या? चल रख, हम भी रखते हैं 1000 रुपया। हो जाने दे मुकाबला डांस कंपटीशन का, हम लोगों का। कैसी बात कर रही हो बहना? अरे डरता क्यों है छैला, इस लैला और मजनू का मुँह काला कर देंगे हम। तो ठीक है, हो जाए मुकाबला, जो हारेगा उसका मुंह काला और वो भी जूतों के साथ। ओके। काला मुकाबला होगा ओ लैला, जालिम हसीना।
लगाएगा इन्हें। सुनीता जी, हमने आपका नमक खाया है, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। आपका मुंह काला होने से पहले हम अपना मुंह काला कर लेंगे। हमका माफ कर दो। Stupid man, bloody अल्हड़ गवार, अपना ही मुंह काला कर दिया। चलो चलते हैं, let's go। हाँ यार। अरे भाई साहब, जरा बात सुना, ई क्लब बंद हुई गवा। हाँ क्यों? अरे वो अमित बाबू और हमारे मेम साहब। अरे इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे,
और आज तो फिर चिड़िया फंसी है, आज तो वो सुहागरात बनाएंगे। सुहागरात। अमित सुनीता मेरी माँ की अंगूठी प्लीज। उफ, आज मैं कितना खुश हूँ सुनीता, कितना खुश हूँ मैं। लेट्स सेलिब्रेट। हाँ अमित शैंपेन। सुनीता स्वर्ग में बैठी तुम्हारी और मेरी माँ हम दोनों पर हजारों आशीर्वाद बरसा रही होंगी हमारी सगाई और होने वाली शादी की खुशी में। हाँ? भगवान से यही मांगता हूँ सुनीता कि तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकूं और यूं ही तुम्हारा प्यार पाता रहूं। अमित मैं सुनीता। Cheers! Come on, drink up! Come on! Ah, wonderful! Come on, darling. Yes. मैं घर जाऊंगी। सुनीता, घर तो तुम रोज ही जाती हो। और वैसे भी ये भी तो तुम्हारा ही घर है। सुनीता, आज रात तुम मेरी दुल्हन बन जाओ। नहीं। Come on, सुनीता. तुम? हाँ हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ई रहे तुहार माँ की अंगूठी और ई रहे तुहार पाप का अंगूठा। हमार सुनीता पे बुरी नजर डाले तो साले मसल के रख दे हम तुमका। मुझे घर जाना है। बाय बाय। शाम खोर क्या कर रहा है तू? कमीने उतार उसे, उतार। इस पवित्र जमीन पर सुनीता जी के पैर तक नहीं पड़ने देगा ये लल्लू, समझे? चाहते हम कर लो जो करना है। बास्टर्ड। हमसे टक्कर है? बाय बाय। मिलता संभालिए अपने आप को। सुनीता जी, सुनीता जी, देखिए, अरे सुनीता जी, छोड़ मुझे, ऐसे, छोड़ मुझे, लल्लू छोड़ मुझे, तूने मेरे अमित को, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी, सुनीता जी, मेरी बात तो सुनिए सुनीता जी, सुनीता जी, लल्लू, बाबूजी के बच्चे, क्या इसीलिए सुनीता को तेरे साथ भेजा था? क्या हालत की इसकी? शराब पी तूने? इसने मुझे जबरदस्ती। नहीं बाबूजी, ऐसा फरामोश। बाबूजी ने मेरी बेटी को शराब पिलाई। तूने मेरी बेटी को शराब पिलाई। तेरी हिम्मत, अब तेरा हाथ भूल गया था। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। बाबूजी तुझे माफ कर दूँ। मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूँ। बाबूजी मुझे माफ। तेरी ये मत। चार से मार डालूँगा। चार से मार डालूँगा। निकल। कभी नजर आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। चार से मार डालूँगा। चार से मार बाबूजी। निकल। निकल। नहीं। पापा रुकिए। पापा प्लीज रुकिए। पापा कमी नहीं, ये नहीं मैं हूँ। शराब इसने मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्त ने मुझे पिलाई थी। सुनीता आई एम सॉरी पापा। तूने ऐसा क्यों किया लल्लू? तूने हकीकत क्यों नहीं बताई बेटे? नहीं तो आप सुनीता जी को। मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं बाबूजी,
आप माफी मत मांगिए वरना जीता जी जमीन में गिर जाए। आप माफी मत मांगिए बाबूजी। लल्लू मेरा बेटा। बाबूजी मेरा बच्चा। बाबूजी मुझे माफ कर दे। जा बेटे जाके सो जा। जी बाबूजी। सुन बेटे। जी बाबूजी। ये अमित कौन है? बाबूजी सुनीता मेम साहब उनसे शादी करना चाहती है। शादी? हाँ। कहाँ मिलेगा वो? Stop it, यार। हाँ जरा देखा तो सही कौन है। Yes, sir. जरा पास दो डार्लिंग। ससुर जी आइए आइए। आपका होने वाला दामाद आपको सलाम पेश करता है। आइए ना। सुना है तुम सुनीता से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? मोहब्बत और मैं? ससुर जी मोहब्बत तो वो करती है हमसे। ऐसे लिपट जाती है जैसे चंदन के पेड़ से सांप। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। वाकई ऐसी नहीं है? साले हाथ भी नहीं लगाने देती पुट्ठे पर। लेकिन अगर कब तक हा? कब तक हा? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? प्यार जो करती है हमसे। आराम ज़्यादा क्या चाहता है तू? क्या दोगे? मुंह फाड़ कमीने। बाबूजी एक मिनट। लल्लू तू बीच में मत बोलना। प्रॉब्लम तो तब होती अगर ये सुनीता के साथ मोहब्बत का ढोंग करता। उसके साथ शादी की शर्त रखता। बाबूजी आप लल्लू राम जब दो शरीफ आदमी बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हाँ तो ससुर जी मुंह फाड़ने कब आऊं आपके दौलत खाने में? कल। ससुर जी ओके। फिर से आ रहा। झूठ ये सब झूठ है मैंने मान दी से। हम क्यों झूठ बोलेंगे बेटी? इसने इसने बहकाया होगा। हम बाबूजी हम नहीं मैम साहब आज आज वो आएंगे। आप छुप करके सुन लेना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या सुनना चाहते हैं मुझे? ब्लैंक चेक है साइन किया हुआ। जहां तक सोच सकते हो भर लो इसे। ये तो केवल एक ही चेकबुक है सेठ जी। अब जरा ये भी बता दीजिएगा क्या आप इस आलिशान मकान और आपकी बाकी सारी फैक्ट्रियां कब मेरे नाम कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब तो सीधा है सेठ जी। सुनीता से शादी करने का मतलब है जो आपका है वो सब मेरा होगा। ये सोफा ये मेज तक। अपनी औकात में रहकर बात करो मिस्टर अमित। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो आपका खराब है बाबूजी वरना मुझे खरीदने की कोशिश नहीं करते। बाबूजी मैंने सुनीता से प्यार किया है आपकी दौलत से नहीं। बाबूजी सुनिए बाबूजी मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए प्लीज। आपकी दौलत की एक फूटी गौड़ी नहीं चाहिए बाबूजी मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए। बाबूजी मेरे जज्बातों की कदर कीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पड़ता हूं बाबूजी मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए। बाबूजी मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए प्लीज। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता बाबूजी मुझे मेरी सुनीता दे दीजिए। बस अमित बस। सुनीता बहुत हो चुका तुम्हें और आंसू बहाने की जरूरत नहीं। देख लिया पापा मेरे अमित को? समझने की कोशिश करो बेटी। समझ गई पापा सब समझ गई मैं। आप अमित को मेरी नजर से गिराना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए मैं अभी इसी वक्त अमित के साथ ही घर छोड़कर जा रही हूँ। ये अरबों खरबों की दौलत आप ही की है और आपको मुबारक हो। चलो अमित। बाबूजी सुनीता जी को रोक लीजिए। सुनो बेटी। सुनीता बेटी। हाय राम। कमीने मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेटी रुक जा। मैं कहता हूँ बेटी रुक जा। बेटी रुक जा।
बेटिया तेरी दौलत से प्यार करता है। बेटिया तुझसे मोहब्बत नहीं करता। बेटिया झूठा है। बेटिया तुझसे मोहब्बत नहीं करता। बाबूजी बस कीजिए। अरे तू छोड़ो। चलो सुनीता। सुनीता बेटी। बाबूजी, बाबूजी, संभालो अपने आप को। बाबूजी, संभालो अपने आप को। बाबूजी, बाबूजी, सुनीता, सुनीता बेटी। बाबूजी वो आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। बाबूजी, आ जाएगी वो। सुनीता इतनी बुरी नहीं है बेटे। उस हरामजादे ने उसे बहका दिया है। वो बिन मां की बच्ची है बेटे। काश काश गोमतिया जिंदा होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, उस बेचारी का क्या होगा। वो कभी ना खा जाएगा उसे। हाँ हेलो डैड। हाँ बेटे। डैड आप इसी वक्त यहाँ के लिए रवाना हो जाइए। सुनीता, हाँ हाँ, सेठ जमनादास जी की बेटी और मैं शादी कर रहे हैं आज रात को ही। ओ, तूने फिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा इंतजार छोड़, कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड शादी करा, कानूनी, समझा? ओके ओके डैड, समझ गया मैं। बाय बाय। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ले लो बेटे, सुनीता को जल्दी ले आओ। जी बाबूजी, मैं अभी आया। डॉक्टर, वकील को बुला, जल्दी। अभी बुलवाता हूँ। लिखिए वकील साहब, मेरी सारी जायदाद मेरे मरने के बाद। थैंक यू थैंक यू। जय बजरंग बली। शुभकामनाएं बाधा डालने की माफी चाहता हूँ। सुनीता जी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे अमित की कदर ना हो। चलना तो पड़ेगा ही। नहीं। सुनीता को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे ठहरो, यहाँ बैठो, हम निपट के आते हैं। अरे बैठो चुपचाप। कानून की नजर में मर चुके हैं। वकील साहब ठीक कहते हैं बेटी,
कानून दो अवस्थाओं में किसी को मरा हुआ मानता है, एक तब जब हार्ट काम करना बंद कर दे, दूसरा तब जब दिमाग काम करना बंद कर दे। कोमा का मतलब है आदमी का दिमाग खत्म हो चुका है। तो क्या तेरे पापा कभी भी ठीक नहीं होंगे? भगवान जाने। पटेल साहब, हालांकि मेरी संपूर्ण चल अचल संपत्ति की मालकिन मेरी इकलौती बेटी सुनीता है, मगर तब जब वो लल्लू से शादी करेगी। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आगे भी है, ये शादी एक महीने के अंदर हो जानी चाहिए, यदि नहीं हुई तो संपूर्ण जायदाद लल्लू की होगी। अरे वाह, मैं ऐसे ही अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये लल्लू निकला। क्या नाम बताया उसने? लल्लू। लल्लू जी। लेकिन उसने तुम्हारे पापा को उल्लू बनाकर एक तरह से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। अब हमारी समस्या ये है, कैसे इस फ्रॉडी के हाथ से वो जायदाद निकाले? वेरी सिंपल, शादी कर लो उससे। क्या? लेकिन डैड, आप तो जानते कि सुनीता और मैं शादी करने वाले। सुन लिया मेरे जिगर के टुकड़े, सब सुन लिया। इतने दिन हो गए समझते हुए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं सीखा तू। इसमें बड़ी ताकत होती है। कानून की निगाह में शादी का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी हम बिस्तर हो। क्या मतलब? मतलब समझाता हूँ, बैठो। सुनीता, तुम कोर्ट में जाकर बकायदा लल्लू से शादी कर लो। बिल के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारी और लल्लू की। फिर लल्लू से डिवोर्स ले लो। सारी जायदाद केवल तुम्हारी। फिर अमित के साथ शादी करके मौज लो। तुम्हें डाइवोर्स दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। मुबारक हो मिसेस लल्लूराम। कॉन्ग्रेचुलेशन लल्लूराम। अरे हाथ मिलाओ तो, गले मिलो साहेब, हमारी शादी हुई गवा। अरे डॉक्टर साहेब, सुखी रहो। आज अगर हमारा दोस्त कोमा में न होता तो कितना खुश होता, सारे शहर की दावत करता। और सब लोग गिफ्ट लाए हैं, मैं क्या दूं इसको? ये क्या? पुलिस, पुलिस। मुबारक हो जी, मुबारक हो, नजर ना लग जाए, क्या जोड़ी है। गिफ्ट। थैंक यू। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। श्योर श्योर। शर्मा जी। वाह उस्ताद, क्या घुटी हुई वस्तु हो। का मतलब? सबको घनचक्कर बना के सेठ की पाई पाई नहीं, सेठ की लौंडिया भी गटक गए, और मुझ जैसा खुर्राट पुलिस ऑफिसर कथक करता रह गया। इंस्पेक्टर खेकड़ा जी, तो हर बॉडी टेढ़ी, तो हर दिमाग टेढ़ा, तो हर मूछ टेढ़ी। अरे कम से कम बातें तो सीधी कर लिया करो। देखो हम तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। थैंक यू सुनीता, ऑल योर्स। अब एक कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। एक फ्रॉड मेरी पापा की जिंदगी में आया। उसने मेरे पापा को अपनी बातों के जाल में इस कदर फंसाया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। होश में तो हो सुनीता बेटी? पता नहीं पापा ये क्यों समझे कि मैं दौलत के खातिर इस लल्लू से शादी कर लूंगी। हाँ, मैंने शादी जरूर की, लेकिन दौलत के लालच में नहीं, बल्कि इस लल्लू को सबक सिखाने के लिए। मेरा मकसद उसके हलक से वो जायदाद निकालना था जो इसने मेरे पापा को बेवकूफ बना के हासिल की थी। ये आप क्या कह रही हैं सुनीता जी, क्या कह रही हैं आप? तलाक के बाद ये पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। मैं भले ही आप बच्चों को ही क्यों ना दूं, लेकिन एक धोखेबाज से उड़ा ले ये मुझे कबूल ना था। बेटी,
मैं अमित से ही शादी करूंगी। इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। बिल्ली तो गुर्राने लगी। तलाक जब होगा तो होगा, लेकिन इस वक्त तुम मेरी धर्म पत्नी हो और दुनिया की कोई ताकत ये हक मुझसे छीन नहीं सकती। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कार रोकिए। तूफानी रात और खेकड़ा जी आप यहाँ डंडा फटकार रहे हैं? अरे ड्यूटी सरकार, ड्यूटी। आपसे एक गुजारिश है। हमसे का? आपकी जान से ज्यादा सवाल बंदे की इंक्रीमेंट का है। अगर इंक्रीमेंट चली गई तो बंदा मर जाएगा, इसलिए अगर कोई आपका मर्डर करना चाहे तो मरना नहीं, डटे रहना है। हत्या और हमरी अरे कौन मारना चाहेगा? अमित, शायद सुनीता भी साथ थे। उन दोनों के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय नारी अभी इतनी गिरी नहीं कि अपने सुहाग को खुद उजाड़ डाले। ये जो कमी रह गई है आज पूरी कर देंगे। अरे हम यहाँ बारिश में डंडा फटकार रहे हैं और पट्टा सुहाग रात मनाने के मूड में है। कौन? पति परमेश्वर। प्यार से दरवाजा खोलियो डार्लिंग, या तोड़ दूं। ठिकाने आ गए जानू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो डार्लिंग, हम सुनने के लिए बेताब हैं। तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ ताकि तुम्हारा और अमित का रास्ता साफ हो जाए। अमित, अमित तुम्हारा कत्ल करने वाला है। अच्छा? हाँ। इस नेक काम में तुम उसके साथ नहीं हो? थी, लेकिन अब नहीं हूं। मुझसे वो सब नहीं ले लूं। प्लीज भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें मार डाले। भाग जाओ यहां से। तुम्हें अकेले छोड़कर? कभी नहीं। क्यों मेरे बारे में सोचते हो? क्या लगती हूं मैं तुम्हारी धर्म पत्नी? अगर हम अपनी धर्म पत्नी के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सुनीता, अगर हमारे कत्ल के इरादे ने आज तुम्हारी आंखें खोल दी है तो हम अमित के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आज हम मर भी जाएं तो हमें कोई गम नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। Oh,
Thank you.
क्यों मर गया? हाँ? देखता हूँ। नहीं, सिर्फ बेहोश है। भूल गई हो क्या तुम? अभी तो इसे डीप फ्रीज में डालना है, रात भर 0 डिग्रीज की टेम्परेचर में रहकर सुबह तक ठंड से अकड़ कर मर जाएगा। सुबह नौकरों के आने से पहले मैं लल्लू के कपड़े पहन लूंगा और हम दोनों लल्लू की गाड़ी में ऊपर नई फैक्ट्री के पहाड़ी रास्ते पर निकल जाएंगे। वहां लल्लू को ड्राइवर की सीट में बैठाकर गाड़ी को खाई में ढकेल देंगे। लोगों को लल्लू की लाश मिलेगी, लेकिन रात भर फ्रीजर में रहने की वजह से पोस्टमार्टम में कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि मौत पिछले रात को हुई थी। लाश ताजी की ताजी रहेगी। चलो इसे फ्रीजर में डाल देते हैं। कम ऑन। लल्लू बेटे तुम हो ना वहां? हाँ? अरे कौन है वहां? हाँ? सुन, अरे कहां हो तुम लोग? जाओ जाओ जल्दी। कौन है? जाओ से रोको। दादी माँ। हाँ? सुनीता बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। लल्लू को तुमने अपना पति मान लिया। लल्लू लल्लू बेटा आओ ना मेरे पास। तुम दोनों आओ 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 मेरे पास आओ। भी खुश रहे बेटे, गले नहीं मिलेगा क्या? दादी माँ ये शर्मा रहे। बड़ा बुद्धू बेटा है मेरा। दादी माँ रात बहुत हो चुकी है, अब सोने के लिए चलते हैं। जल्दी करो, मैं दादी माँ को सुला कर रही हूँ। सुनीता इसे खोलो जल्दी। आवाज आ रही है, कहीं इसको होश तो नहीं आ गया? शरत सुनीता, चलो देखते हैं। अमित मुझे डर लग रहा है,
लाश कहाँ गई? सूख चुकी है। कौन होगा इस वक्त? पता नहीं, मैं देखता हूं। क्या बात है बाबूजी? दरवाजा खोल, मेम साहब से काम है। सुनीता, सुनीता पुलिस, सुनो पुलिस आई है। सुनो, मैं इसे फ्रीजर में डालता हूँ, तुम जरा उनको संभालो। और सुनो, उन्हें उन्हें किसी में मत आने दे। जाओ, जल्दी जाओ। सोचता हूँ मोत्रमा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित, बंदे को अमित की तलाश है। अमित कहाँ गए वो? चोरी छुपे लोग अक्सर अपनी महबूबा से मिलने आया ही करते हैं आधी रात को। तो यहाँ नहीं आया था? क्या कहना चाहते हैं आप? वो यहाँ आया था, अमित यहाँ आया था। ये हमारा निजी मामला है इंस्पेक्टर साहब, और लल्लू इस संबंध से वाकिफ है। लेकिन लल्लू जी हैं कहाँ? दिखाई नहीं पड़ रहे। लल्लू किले पर गए हैं बाबूजी का सपना पूरा करने। कमाल है पट्टा, मुझे तो कहना था कि आज रात सुहागरात बनाए। कौन है बेटी? 11 बजे तक तो लल्लू यहाँ था। ओहो, तो लल्लू जी की सुहागरात पूरी हो जाने के बाद आपने अपने यार को बुलाया? शट अप इंस्पेक्टर, शट अप। दादी माँ, प्लीज अब अंदर जाइए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इंस्पेक्टर। पता नहीं क्या खेल खेल रही है ये लड़की। ओफ वो दादी माँ, तुम भी सटिया गई हो। हाँ, अपने कमरे में जाओ। अच्छा बाबा, अच्छा जाती, जाती। होता है, होता है, लोग अक्सर बुढ़ापे में सटिया जाते हैं। अब जरा मतलब की बात पे टपकिए मोहतरमा। ये अमित है कहाँ? अमित जा चुका है। जा चुका है तो हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? हम भी फूटते हैं। आधा आधी रात को पानी किसने ढोया है? अरे कहाँ जा रहे आप? तो इस गंगा जल की गंगोत्री यहाँ जाती है। निकलो मेरे घर से। इंस्पेक्टर, मैं कहती हूँ आप। अरे इतना बड़ा फ्रीजर, इसमें तो पूरा का पूरा बकरा आ जाए या फिर पूरी की पूरी लाश। अरे अरे बहुत ठंडा है। अरे 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 अपनी तो कुल्फी जम गई।
अरे ओ, म, 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 ये फ्रीजर एकदम खाली है, ना रसगुल्ला ना रसमलाई, एकदम खाली। इतना बड़ा रसोई, हम पुलिस वालों के तो इतने बड़े घर भी नहीं होते हैं। मोहतरमा, आप तो कह रहे थे कि ये हजरत तशरीफ का टुकड़ा ले जा चुके हैं। तो हजरत आप वहां क्या नहा रहे थे? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस जग में पानी भरकर हॉल में पहुंचा ही था कि अचानक कॉलबेल की घंटी बजी और जग हाथ से छूट गया, तो पानी पानी। तो इस गंगोत्री का ये राज है। जी हाँ इंस्पेक्टर। सुनीता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि अगर कोई आ रहा है तो उसे आने दो। आफ्टर ऑल हमें छुपाने की क्या जरूरत है, जब लल्लू को तो ये सब पता ही है तो दुनिया से क्या छुपाना। ठीक पका आपने, बिल्कुल ठीक पका। इस दुनिया में जब भी कोई कदरदान दुनिया के सबसे बेस्ट बेशरम का अवार्ड देना चाहेगा ना, तो ये बंदा आप दोनों का नाम रेकमेंड करेगा। वारी भारत की नारी। कैसे? अंतर्यामी जो ठहरे। राम नाम सत्य कर ही दिया लल्लू का। तुम ये समझते रहे कि केकड़े के भेगे में भूसा है? दीवार पर बने निशानों को देख के भी केकड़ा कुछ नहीं समझेगा? समझा क्या केकड़े को? केकड़ा,
हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, सरकारी चूड़ियां पहनानी है। क्या करें भैया, हमें बचा लो, बचा लो भैया प्लीज। भैया भैया, जरा सी मुसीबत क्या पड़ी, रिश्तेदारी जोड़ने लग गई मोहतरमा। देखो बाल गोपाल मेरे भी हैं और एक सुंदर सी बीवी है। बीवी जितनी सुंदर हो खर्चे और फरमाइशें उतनी ज्यादा होती है। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तनख्वाह में तो फीस की कीच निकल जाती है। अब अगर इंक्रीमेंट को बचाना है तो मर्डर की घटना को दुर्घटना बनाना पड़ेगा। दुर्घटना कदो कुछ समझे या मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। क्या खिदमत करनी होगी? एक करोड़। डन। खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लल्लू जी की अर्थी को हम भी कंधा देंगे। मोहतरमा तुम स्टेयरिंग संभालो। बहन जी आप स्टेयरिंग संभाले, भाई साहब आप मेरे साथ आइए। जोर लगा के हैया। कहानी आपने बहुत खूबसूरत फिट की। पैर जमा के हैया। लल्लू किले जाने के लिए निकला लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। दम लगा के हैया। पता नहीं कब उसकी गाड़ी खाई में चली गई। चले गए लल्लू भैया। गुड बाय लल्लू भैया। नहीं, तू नहीं मर सकता, अपनी दादी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। हवलदार साहब नहीं है। हवलदार सर गई नौकरी। क्या बात है सर, आज आप सारा दिन नजर नहीं आए। टाइम नहीं है जी सर। कोई आया? जी सर आपके जाने के बाद कल कमिश्नर साहब का फोन आया था। जी चाहा आपको खबर कर दूं। क्या बोले? मगर थैंक यू। मगर आपका आता पता आपको पूछ रहे थे सर। तुमने क्या बोला? मैंने कह दिया साहब तफ्तीश के लिए गए हैं एक मर्डर केस के सिलसिले में। अब जाके फाइल लेके आओ सर। मेरी तरक्की। जाके फाइल लेके आओ। हेलो इंस्पेक्टर विजय हियर। कमिश्नर सिन्हा बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हारा ट्रांसफर बॉम्बे कर दिया गया है? यस, इंस्पेक्टर केकड़ा ने रिजाइन कर दिया है, कल से तुम टेक ओवर कर लो। दैट्स ऑल, इज दैट क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमर सिंह अब तू देख मेरे दिमाग का खेल। साहब फोन। हेलो। तेरे तेल की बोतल खत्म हो चुकी है अमर सिंह। इंस्पेक्टर कहाँ है हरामजादे तू? तेरे बहुत करीब हूँ अमर सिंह। अरे उठ मत क्यों कष्ट करता, उठ मत। आ रहा हूँ तेरे पास तेरा तेल निचोड़ने। आ रहा हूँ अमर सिंह, आ रहा हूँ। हरामजादा कमीना, ए अपने आदमियों को बुला, जल्दी जल्दी बुला। बस इंस्पेक्टर बस वही रुक जा। तू जहां खड़ा है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अमर सिंह की रियासत है। अगर तूने एक कदम भी अंदर लिया तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएगा। हद करते हो अमर सिंह, हमने सोचा कि तुम दिमाग से काम लेते हो। अरे दिमाग की जगह दिमाग और ताकत की जगह ताकत। भवन छोटू राजा हड्डियां चटका दो साले की।
आओ बबन शबन, आओ जरा हड्डियां चटकाए। तेरे करीब हूं मैं, तेरी गर्दन का नाप लेने आया हूं। बुला बब्बन शब्बन राजा को, बुला बुला बब्बन शब्बन राजा को। डर गया? डर गया तू? सिर्फ इतना बताने आया हूं कि शनि की टेढ़ी नजर तेरे दिमाग पे पड़ चुकी है, दिमाग पे, और कल ये दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।
चश्मा, मैंने देखा नहीं तेरे जैसा कोई, मुझको तेरे सर की कसम। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। आपने इनका इकबाले जुर्म तो सुन लिया होगा। मिस्टर अमित, यू आर अंडर अरेस्ट, ब्रिंग देम। फॉर व्हाट? किस लिए? ये लल्लू राम है कमिश्नर। हाँ बुद्धू राम, हम ही है लल्लू राम। लेकिन लोग मुझे इंस्पेक्टर विजय के नाम से जानते हैं, समझे? बहुत जल्दी समझ जाओगे। चलो अजी, आईएसआई को गोली मारो 303 की, मैं खुद के हेलीकॉप्टर में डिलीवरी कर दूंगा। आप कहो तो इस्लामाबाद पहुंचा दूं। कम इन। पहचाने का लल्लू लाल जी, आप तो स्वर्ग से धारे, फिर यहां कैसे पधारे? खेगड़ा, मैं तुम्हें अपने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। क्या लच्छेदार बात कही है हुजूर ने? कोई किसी को अपनी हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करता है क्या? नहीं करता। जाइए जाइए। अरे संभाल के भैया, संभाल के। इस तरह हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घुमा घुमा के फेंकोगे तो कीर्तन करने लगेंगी हड्डियां। ये क्या है? अरे बरखुरदार, तुम यहाँ चमगादड़ की तरह क्यों लटके हुए हो? केकड़ा, हमें इस चक्रव्यूह से निकालिए। मेरे चक्रव्यूह में से ये तो क्या, तेरा बाप भी तुझे नहीं निकाल सकता। चिल्ला बेटे चिल्ला। कहाँ है मेरा बेटा? आ गया तेरा बाप। कहाँ है? अमित, 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 नीचे कर दे उसे, सीधा कर। पहले तुझे सीधा करूंगा, बाद में उसे।
हमें सीधा करेगा तू, हमें। चिल्ला मत, ये तेरा न्याय मंदिर नहीं, गंदी नाली में रेंगने वाले इस कीड़े का टॉर्चर रूम है। मतलब बताता हूँ, जिसके गाल पर गोमती चाची का एक चाटा पड़ा तो बर्दाश्त नहीं करता। यही था वो, नहीं, जिसने मेरे भाई की खाल उधेड़ दी थी। यही था वो। अब देख, हम मैं इसका क्या करता हूँ। नहीं, 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 उसका तो अंटा गाफिल हो गया, बेहोश हो गया कब का। हौलदार जी सर, खोल साले को। मामला काफी सेंटीमेंटल है। ये ताऊ, ये चक्कर क्या है? लल्लू की हत्या करने की सलाह किसने दी तुम्हें? हालात मैंने पैदा किए, फैसला अमित का था, लेकिन अरे मोहतरमा, लेकिन लल्लू मरा कहाँ है? लल्लू तो ये खड़ा, ये क्या? ये मरा कहाँ है? ये लल्लू है। दिमाग का इस्तेमाल किया ठाकुर, दिमाग का, इसमें बड़ी ताकत होती है। मामला क्या है? अपने भेजे में तो कुछ आया नहीं था वो। ठाकुर तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा एक जुड़वा भाई था जो गंगा में डूब गया। सब लोग यही समझते कि वो मर गया, लेकिन दरअसल वेद पशुपति नाथ ने उसे बचा लिया था। वो सेठ जमनादास के घर पहुंचा और उसके बाद इन लोगों ने इसे मार दिया था। क्या बकते हो इंस्पेक्टर, अजय जिंदा नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं जिंदा हो सकता? क्योंकि इंस्पेक्टर हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि गोमती पर बलात्कार करते हुए उसने मैं उसी गोमती की बेटी हूँ, हरामजादे। हाँ अमर सिंह, मैं उसी गोमती की बेटी हूँ। और ये खेल हम दोनों ने साथ खेला है। लेकिन मोहतरमा, तुम लल्लू राम की बगल में कब से खड़ी हो? मैं बताता हूँ, वकील साहब ने जब वसीयत सुनाई, मैंने सब लोगों को बाहर जाने को कहा। केकड़ा जी आप भी चलिए। जाते हैं। पापा आप? जोर से नहीं बेटी, कोमा में नहीं सही, हार्ट अटैक तो हुआ है। सुनीता, मैं लल्लू नहीं, विजय हूं, गोवर्धन चाचा का दूसरा बेटा, मेरा भाई अजय और गोमती चाची गंगा में डूबकर नहीं मरे, उनकी हत्या की गई थी। गोमती चाची ने मुझे कसम दी थी कि उनकी जिल्लत भरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें कुछ न बताऊं, मगर जब चाचा की जिंदगी को खतरा पड़ा तब सबके सामने ये राज खोलना पड़ा। मुझे अमर सिंह से बदला लेना था, इसलिए मैं लल्लू बना और उसी प्लान के तहत कुमा का नाटक किया गया। आज के बाद तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस मिलन के बाद मेरा काम चुटकी बजाने जितना आसान हो गया, मैं जो चाहता था वैसा ही होता गया। इसके बाद मेरा नाचना गाना, विजय का बेहोश होना, नाइट क्लब में उसे देखकर चीखना, ये सब एक चाल थी, ऐसी चाल जिसमें तुम तीनों चकरे जा चुके हो। खेल काफी गहरा खेला है इंस्पेक्टर, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल अभी भी नहीं किया। इसमें बहुत ताकत है, बहुत सोच। जितना गुनेगार अमित है उतनी गुनेगार ये छोकरी है, इसे कैसे छुड़ाएगा कानून? बहुत आसान सा तरीका है, इसे सरकारी गवाह बनाकर। क्योंकि कोर्ट में मैं सच नहीं झूठ बोलूंगी, ऐसा झूठ जिसे तेरे फरिश्ते तक झूठ साबित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कहोगी तुम कोर्ट में?
जज साहब, लल्लू का कत्ल मैंने किया है, मैंने और अमित ने मिलके। हालांकि सुनीता ने एक बाले बयान जरूर दिया है, लेकिन ऑनर आप अच्छी तरह जानते हैं कानून के पेट को सबूतों की भरपूर खुराक चाहिए, और सबूत इकट्ठा करने के लिए हमने होटल में ड्रामा किया और बंगले में इसे डराने के लिए खेल खेला, और वो सारा ड्रामा पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में इसलिए किया ताकि कल कोई हम पर उंगली ना उठा सके। और योर ऑनर, अगर सुनीता ने हमारी मदद ना की होती तो आज हम इतने सारे सबूत इकट्ठे ना कर पाते। अरे वाह, इतने सबूत, तब तो मानना ही पड़ेगा मिलॉर्ड कि अजय ही लल्लू था और वो बंगले में मारा गया। अभी तक अदालत ने एक ही चश्मदीद गवाह पर गौर फरमाया है मिलॉर्ड, लेकिन दूसरा चश्मदीद गवाह है एक्स इंस्पेक्टर केकड़ा, और लल्लू की मौत के बारे में उनका कहना कुछ और ही है। अगर इजाजत हो तो उनका बयान भी सुन लिया जाए। सुनिएगा इंस्पेक्टर, क्या कहना है इन्हें? जज साहब, ये मोहतरमा बीवी तो लल्लू की थी, लेकिन इश्क की कबड्डी अमित के साथ खेलती थी। जिस रात लल्लू की मौत हुई, मैं सीनियर इंस्पेक्टर के केकड़ा बिल्ला नंबर 61-62-00 बैरियर पर ड्यूटी दे रहा था। अमित और सुनीता पहले गाड़ी में बंगले की ओर गए, थोड़ी देर में वहां लल्लू भी अटपका और बंगले की ओर गया। मैं समझ गया कि आज रात बंगले में जरूर कुछ उखाड़ पछाड़ होने वाली है। बंदा भी सीधा बंगले में जा धमका, सीधा कीहोल में आंख लगा कर देखा, देखा तीनों बालकनी में खड़े और तीनों में तू तू मैं चल रही है। लल्लू बड़े खतरनाक मूड में था, वो गुस्से में सुनीता को मारने के लिए सीधा झपटा और उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से नीचे जाके गिर गया। ठीक उसी वक्त मैंने घंटी दबा दी, दरवाजा तो खोलना ही पड़ा इन दोनों को, और मुझे देखते ही होश उड़ गए इन पट्ठों के, सॉरी इस पट्ठे और इस पट्ठी के। फिर पुलिस को घर में आया देख के ये दोनों मेरे पैरों में गिर के कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब हमने लल्लू की हत्या नहीं की, इंस्पेक्टर साहब हमने लल्लू की हत्या नहीं की, हमने लल्लू की हत्या नहीं की। मैं जानता था इन्होंने हत्या नहीं की, लेकिन फिर भी असलियत जानते हुए भी मैं इनकी बात को नहीं माना। मानता भी कैसे, नीले नीले नोट पीटने का प्लान जो आ चुका था मेरे खोपड़े में, मैंने इनसे साफ कहा 1 करोड़ दो नहीं तो सरकारी चूड़ियां पहनो। ये लोग घबरा गए, सौदा तय हो गया। उसके बाद हमने लाश को कुछ देर फ्रिज में रखा, फिर लाश को गाड़ी में डाल के गाड़ी सहित लाश को पहाड़ी के नीचे लुढ़का ताकि बाद में हम उसे एक्सीडेंट साबित कर सकें। मैंने तो सिर्फ रिश्वत ली थी हुजूर, और वो तो आजकल सभी लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये केस आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड, मुलजिमान हत्या के नहीं बल्कि लल्लू के एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के दोषी है। इसके लिए इन्हें कोई भी छोटी मोटी सजा दी जा सकती है, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। योना, मैं मिस्टर खेकड़ा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योना। खेकड़ा जी, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। आईना देख लेते सरकार। वो तो मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। तो लल्लू की हत्या अमित और सुनीता ने नहीं की? करेक्ट। वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया? स्टैम्प पेपर पर लिखा दूं क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम भी यही कहते हो? जी हाँ। यानी कि जब वो सीढ़ियों से गिरा, क्या वो उसी वक्त मर गया था या थोड़ा बहुत तड़पा? जब आदमी इतनी ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरेगा तो जाहिर है तड़पेगा तो जरूर। हाँ जाहिर है वो तड़पेगा जरूर, मेरे जैसा 6 फुटा इंसान हट्टा कट्टा नौजवान तड़पेगा तो जरूर। तुम भी यही कहते हो? जी हाँ, तड़पा था। यानी कि डोर बेल बजने से पहले वो जिंदा था। दरवाजा किसने खोला? सुनीता ने। सुनीता ने। तुम अंदर आ गए? 100%। क्या तुमने उसकी नब्ज चेक की? नब्ज नहीं। खेकड़ा जी, क्या तुमने उसकी नब्ज चेक की? इतना टाइम ही नहीं था जनाब। यानी कि उसकी मौत रेफ्रिजरेटर के अंदर हुई है। मर्डर, हत्या है, और हत्यारा वो हुआ जिसने उसे उठाकर रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला।
क्या तुमने उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला? मैंने नहीं, मैंने उसे फ्रिज में नहीं डाला। तो केकड़ा ने डाला होगा? हाँ हाँ, केकड़ा ने उसे फ्रिज में डाला था। अमित, ताऊ की नालायक औलाद, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तुम दोनों साले साफ सपोले मेरी अर्थी उठाने का प्लान बना रहे हो। चुप क्या होता है? जैसा अमित और सुनीता ने लल्लू की हत्या की है, वो सीढ़ी से गिरने वाली बात मैंने कोरी गप मारी थी, झूठ बोला। That's all your honor, that's all. दोनों ने मिल, that's all your honor. वकील साहब के चश्मदीद गवाह ने जो अभी कहा उससे साफ जाहिर होता है कि सुनीता की कहानी सच है, हत्या है ये। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हत्या की सजा क्या होती है, फांसी। That's all your honor. Your honor, क्योंकि इनका केस अब आईने की तरह साफ हो गया है, भले ही आप मिस्टर खेकड़ा और सुनीता को जमानत पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अमित को रिमांड पर लेना चाहता हूं। I object to your honor. केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करना है। Granted. सुनीता, क्या हुआ? अरे सुनीता, क्या हुआ? डरती हूँ विजय। डरती हूँ? क्यों? अरे हमारी जीत पक्की है, हम जरूर जीतेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। अग्नि परीक्षा तो सीता माँ को भी देनी पड़ी थी, कहीं अमित को लेकर किसी दिन तुम मुझसे। सुनीता, 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 मेरी बात सुनो। हे पगली, अरे देखो, जैसे राम जी को अपनी सीता पर भरोसा था, ठीक उसी तरह मुझे तुम पर भरोसा है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम पर तो है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। तुमसे बिछड़ कर मैं मर जाऊंगी विजय, मैं मर जाऊंगी। मैं हर जन्म तुमसे प्यार करने का वादा करता हूं, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अभी इसी वक्त एक प्यार भरा सा चुम्मा देना होगा। नहीं, अभी नहीं। अभी 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 इसी वक्त। अरे सुनीता, मेरी बात सुनो। तेरा प्यार है
नहीं पिया, छेड़ो नहीं ऐसे मुझे डर कहे जिया। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। हो, 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 हो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया, दिमाग के इस्तेमाल का खेल देखता जा। चल केकड़ा। जय हो खलीफा, जय हो। तुम तो वाकई म्यूजियम में रखने वाली वस्तु निकले। हाथ मिलाओ गुरु। अच्छा ये तो बताओ कि अपने ही मर्डर का भेजा फाड़ देने वाला प्लान तुमने सोचा कैसे? कानून के जंगल का शेर, यहां का धुरंधर अमर सिंह। धुरंधर वो होता है जो झूठ को सच साबित करे, लेकिन तुम्हें तो सच को सच साबित करना है। अगर कानून की एबीसी भी आती हो तो साबित करके दिखाओ कि मैं ही लल्लू हूं। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर, मुझे अमित से मिलना है। मिलिए सर, जरूर मिलिए। हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। हवलदार साहब के लिए दरवाजा खोल दो। तुम्हारे दिमाग का एक फोटो मिलेगा। आओ केकड़ा आओ। आया ताऊ आया। डैड, डैड मुझे बचा लो डैड, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। डैड प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। डर मत मेरे बच्चे, मौत तो तेरे दुश्मनों की होगी लेकिन तुझे ये देश छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी क्या हाँ, अभी हाँ, हाँ, और बाहर वो जो भूखा शेर बैठा है इसे छपटने के लिए सो जाएगा क्या है ताऊ? देखता जा, इसमें बहुत ताकत है। वाह ताऊ, प्लान का पहला भाग तो कामयाब हो गया।
दूसरा भी होगा। जल्दी से अपने कपड़े उतार और केकड़ा के कपड़े पहन ले। जल्दी से उसके कपड़े उतार, हमें पुराने एयरपोर्ट पर जाना है, प्लेन वेट कर रहा है, जल्दी। तेरी तो अपने इस अमूल्य बलिदान के लिए धन्यवाद केकड़ा जी, तेरी मौत में ही मेरे बेटे की जिंदगी है। जली हुई लाश की पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। जान बचाई, तू ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो हरामजादा ताऊ मुझे तिली दिखाकर चला गया। कहाँ गया वो केकड़ा, कहाँ गया वो? पुराने एयरपोर्ट गया है, छोड़ना नहीं उसे, फूंक डाल उसे। एम्बुलेंस को जल्दी फोन करो तुम लोग। अच्छा साहब। क्या हुआ मिस्टर? क्या हुआ? सरकार इस देश में कोई न्याय नहीं रहा। उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे बेटे को केस खत्म होने से पहले ही जलाकर राख कर दिया, आग लगाकर मार दिया। सरकार मेरे बेटे को मार दिया। सरकार मुझे इंसाफ चाहिए। सरकार मुझे इंसाफ चाहिए। पता लगाओ सच्चाई क्या है। यस योर ऑनर। ये बिल्कुल सही बात है कि थाने में आग लगी और उसमें वो इंस्पेक्टर ने आग लगाई है। हुजूर, उसे इंसाफ के इस मंदिर में बुलाया जाए और अमित की हत्या का मुकदमा चलाकर उसे फांसी पर चढ़ाया जाए।
आगे रहो और नीचे और नीचे आजा। ऊपर पीछा करो उसका, पीछा करो। और नीचे गाड़ी की तरफ से पायलट साहब और तेज ऊपर लो उसके कमिश्नर साहब ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इंस्पेक्टर साहब का कोई पता नहीं चल रहा है। उनसे कहो कि अगर 10 मिनट के अंदर पेश नहीं किया गया तो लल्लू की हत्या का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा और इंस्पेक्टर विजय को अमित का कातिल समझा जाएगा। जी हुजूर। Come on!
भागने नहीं देगा तुझे। मिनट हो चुके मिला और वो अभी तक नहीं आया, केस बर्खास्त किया जाए। यस, ऑर्डर लिखो। बचाओ, 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 डैड, बचाओ, डैड, डैड, मिस्टर अमर सिंह, ये सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि आपका बेटा। मैं बताता हूं योनर, अमर सिंह ने मुझे अमित की हत्या में फंसाने की कोशिश की और ऐसा खेल खेला जिसमें बलि का बकरा खेकड़ा को बनाया गया। आज सुबह की बात है जब ये तीनों लॉकअप में आए थे। इंस्पेक्टर विजय का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमित और सुनीता ने मिलकर लल्लू की हत्या की। सरकारी गवाह बन जाने के कारण अदालत सुनीता को बाइज्जत रिहा करती है और अमित को फांसी का हुक्म सुनाती है। ठहरिए योर ऑनर, ठहरिए। अब क्या है? जज साहब, मेरी मुकम्मल जिंदगी केस लड़ते लड़ते गुजर गई, लेकिन ऐसा केस ना मैंने कभी लड़ा, ना देखा, ना सुना। ये खतरनाक शख्स अपने हत्या के जुर्म में मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाना चाहता है। मतलब लल्लू बनकर दास के बंगले में यही शख्स पहुंचा। इस सुनीता ने अमित को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और ये मिस्टर दास ने कोमा में जाने का नाटक किया। इन तीनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला मिलोर्ड कि बेचारा अमित खुद को लल्लू का हत्यारा समझने लगा। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? यही कि लल्लू गंगा में डूब कर नहीं मरा, मैंने मारा उसे, इन हाथों से गला घोट कर मारा, फिर वो बंगले में कैसे पहुंच सकता है? याद कर ठाकुर, ऐसे ही कोर्ट में इसी जज के सामने यह फैसला लिखा गया था कि अजय का कत्ल
तूने नहीं किया। गोमती का बलात्कार तूने नहीं किया। वो फैसला झूठा था मिलोर्ड। सच्चाई ये है कि मैंने अपने हाथों से अजय का कत्ल किया। लाख रगड़ तू, लाख रगड़। भीख मांग, अपने बच्चे के लिए भीख मांग तू, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कानून सबूत मांगता है। कर सकता है तो साबित करके दिखा कि अजय का कत्ल तूने ही किया है। सारे सबूत स्वाहा, स्वाहा। अगर मेरा बेटा नहीं तो तू। इंस्पेक्टर विजय, ये सब क्या हो रहा है? योनर, भरी अदालत में इसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। दफा 307 के तहत किस इंसान पर मुकदमा चला जाए? गिरफ्तार करो इन्हें। ले जाओ दिमागी कीड़े को। अरे अपनी हत्या के जुर्म में कितनों को फांसी पर चढ़ाएगा तू? चाचा, को फांसी पर चढ़ाएगा? चाचा, चाचा मेरे खून नहीं किया। चाचा, मेरे खून नहीं किया। चाचा, मेरे खून नहीं किया। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल।